सो वेलकम ब्रो, कैसे हो? माइनक्राफ्ट के अंदर तुमने कभी ऊट पटांग वाली हरकत की है? अरे हाँ, वही मतलब कुछ अजीबो गरीब चीजें ऐसे वैसे उल्टे सीधे कारनामे शायद तक ये नॉर्मल वाले, बट आज तुमको नेक्स्ट टेबल दिखाता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है और कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करने वाले माइनक्राफ्ट के अंदर, जिसे देखने के बाद तुम पूरी तरह शौक होने वाले हो। यार पूरी वीडियो एंड तक तुम देख लेना, और हाँ वीडियो पे नहीं हो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे भी नहीं होते यार सब्सक्राइब भी कर देना। चलो दिखाता हूँ, हमारा पहला नाच छोटा सा होने वाला है, बट हाँ ये काफी ज्यादा अजीब है, और इसे हम ट्राई करने वाले अपने माइनक्राफ्ट में एक झूला बोलूँ या फिर चलो ऐसे ही रोलर बोल देता हूँ। गाइस अब इसे बनाने के लिए ना कुछ ऐसा रखना है, देखो हम पावर रेल एंड रेल का यूज तो करते हैं, बट हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि तुम सामने देख सकते हो, हमने नीचे पावर रेल लगाया, उसके ऊपर रेल कार्ड लग दिया, और इसी को तो बैठा होना चाहिए ना। हेलो क्रीपर भैया, कुछ मजे आ रहे हैं क्या? अबे साले नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मस्त है। ओके सर्वाइवल सीरीज में जाते हैं, और अबे क्रीपर तेरी, अरे रुको भाई ये तो नॉर्मल सा है ना, अभी तो शुरुआत ही है। अब तुम्हें पता होगा ना माइनक्राफ्ट में जो क्रीपर है वो किससे डरते हैं? कैट से। कैट देखते ही भाग लेते हैं, और हमारे गेम की ये हड्डी भैया ये किससे डरते पता है? उल्फ से। यार जहाँ भी उसे उल्फ दिखेगा ना भाई ये भाग लेते हैं, क्योंकि उल्फ पेटा इसके के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ देखता है उसे पीटना शुरू कर देता है। बट ये नॉर्मल सेना है, ये तो सबको ही पता है। अब तुम्हें पता है ये सल्कर बॉक्स खोपड़ी ये किससे डरता है? अपना वाटर से। अब तुम इसे जैसे वाटर स्पून करोगे ना, ये भाई एक मस्त वाला टेलीपोर्ट करके निकल लेगा यहाँ से। अब मुझे पता ये पक्का एंडरमैन के खानदान से होगा, या उसका भाई बेटा जो भी होगा, ये तो होगा ही है। एंड हमारे ये माइनक्राफ्ट के पांडा भैया ये डरते हैं हमारे थंडर स्टॉर्म से, जैसे थंडर आएगा ना भाई ये चिपक के दुमक लेता है। और ये उल्फ जो कि सबको डराते रहते हैं, ये किससे डरते पता है? एक लांबा से। जहाँ भी लांबा दिखेगा ना भग लेंगे, क्योंकि लांबा बेटा इन सभी को थू थू करके वाट लगा देता है, तो भगना तो बनता है भाई। देख रहे हो मतलब सबको डराने वाला एक लांबा से डर रहा है। और ये भी यार माइनक्राफ्ट का क्यूटेस्ट सा मॉब, जहाँ भी इसे रोज फूल दिखता है ना भाई चिपक के रस चूसना शुरू कर देता है, और अगर इसके सामने एक वीदर रोज रख दोगे ना बेचारे को डैमेज पड़ता है यार। अब पता नहीं क्यों ये सूखा रोज है इसलिए क्या, और वो भी ऐसा वैसा नहीं खतरनाक वाला डैमेज, अगर ज्यादा इसने उसका रस चूसा ना बेचारा टपक भी जाएगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक सा है, क्या तुमको ये पता था? नहीं। और माइनक्राफ्ट के बड़े सींग वाले होगलिन जो कि बहुत ज्यादा ही बड़े होते हैं, ये डरते हैं हमारे फंगस मशरूम से। अबे मशरूम से कौन डरता है भाई, देख रहे हो ये सारे के सारे होगलिन इतने बड़े गधे वाले हैं, ये फंगस मशरूम से डर के भाग रहे हैं, क्या है गुंडा बनेगा तू? और एक मिनट ये पिगलिन कैसे बन गया भाई? और तो भी पोर्टल से भी डरते हैं, मतलब जहाँ वैसे इस एक्टिव वाला पोर्टल दिखेगा ना भाई भग लेंगे ये लोग। बट एक मिनट मेरा ये पोर्टल टेढ़ा क्यों दिख रहा है भाई? गाइस ये पोर्टल टेढ़ा सच में है ना? नहीं यार ऐसे तुम्हारे इल्यूजन गाइस उससे याद आया, और ये तो बहुत ज्यादा ओसम वाला है भाई, मैं इस जगह पे खड़ा था नॉर्मल, बट ये पॉइंट देख रहे हो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। एनीवे एक और दिखाता हूँ, ये क्या तुम्हें पता है? मैग्मा ब्लॉक जो कि नॉर्मल सा है, बट ये क्या तुम्हें पता है? नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। यार माइनक्राफ्ट में ऐसे ब्लॉक तो है नहीं भाई, आया कहाँ से? मैंने से बनाया है, बट तुम गैस करो ये है क्या? चलो चलो नहीं कर पाए ना यार, ये डायमंड ब्लॉक है देखो ना, बस मैंने डायमंड ब्लॉक के ऊपर ना ये स्कल्स चिपका रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, एंड देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि यार मैग्मा ब्लॉक का ब्लू कलर वर्जन आ गया होगा, जो कुछ ज्यादा ही खतरनाक से दिख रहा है ना मस्त वाला। चलो यार इसके लिए एक लाइक कर देना ठीक है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, आप देखो तुमने कभी माइनक्राफ्ट के अंदर दो ब्लॉक्स को लड़ते हुए देखा है? अरे विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। बोलोगे यार क्या पागल हो गया, ब्लॉक्स कभी लड़ते हैं क्या? लड़ते हैं ना। देखो अब तुम्हें एक ब्लॉक्स लगाना है, उसके ऊपर डिस्पेंसर लगा देना है, एंड इसमें स्नोबॉल को लग देना है, अब जस्ट उसके नीचे ना स्कल सेंसर लगा देना है, एंड इसके बाद शुरू होता है इन दोनों का जंग, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को फेंक फेंक के बस पीटना शुरू कर देते हैं। ओए बहुत जगह है, नई जगह है, बहुत जगह है, अबे क्या कर रहे हो, कितना लड़ोगे तुम लोग, रुक तो जाओ। बट लेकिन जो भी बोलो भाई बहुत ज्यादा मजा है, एंड ऐसे तुमने कई सारे ब्लॉक लगा के ना और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, और ये दोनों भाई एक दूसरे को मारते ही रहने वाले, जो कि देखने में कुछ ज्यादा कूल सा लगता है, ट्राई तो जरूर करना इसे। चलो एक और बताता हूँ, अब तुम लोग इस वाले देख के तो पूरी तरह शौक होने वालों, मैंने ना एक ट्रिक यूज करके पूरे के पूरे लावा को एक ग्लास के अंदर कैद कर लिया है, जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही ब्यूटी एंड खतरनाक लग रहा है भाई, देख रहे हो ना ऑसम है ना ये। मैंने पूरे के पूरे इस ग्लास के अंदर पूरा लावा को भर रखा है, बट तुमने कभी सोचा ये पॉसिबल हुआ कैसे?
क्या क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये रियल है? अरे नहीं यार, ये रियल थोड़ी है, ये भी तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैंने बोला ना, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो जस्ट एक इल्यूजन है, इसके पीछे कहानी तो भाई कुछ और ही है, जो कि तुम देख ही सकते हो। मैंने जस्ट वहाँ पर एक ब्लॉक लगाया ग्लास वाले के, और पीछे पूरा का पूरा लावा पुल भरा है। अब सामने से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इस ग्लास में पूरे लावा को भर रखा है। है ना, एक मस्त वाला इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और देखने में कुछ ज्यादा ओपी एंड खतरनाक सा लग रहा है। तुम भी इसे गेम पे जरूर से ट्राई कर लेना। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? एक मस्त वाला विलेज जहाँ पे घर है, पेड़ है, पौधे हैं, और फार्मिंग वगैरह सब कुछ है। और ये विलेजर मेरे पास आके बोल रहा है, अबे मेरा घर ऊपर उड़ गया, बचा ले रे। लेकिन वो घर ऊपर गया कैसे भाई? इसका पूरा का पूरा फार्म ऊपर उड़ रहा है, देखो। यहाँ पर घर तो नहीं है, पेड़ है, लेकिन कुछ जानवर है, वाटर है, और एक मिनट, ये ऊपर गया तो गया कैसे? सारे जानवर लटक कैसे रहे हैं? क्या तुम भी देख के शौक हो रहे हो? नहीं यार, ये भी एक इल्यूजन है, आंखों का धोखा। हाँ, वहाँ पे लटक तो रहे, बट वो कैसे हुआ, क्या हुआ, सबको दिखाता हूँ। बट ये देखने में ना कुछ ज्यादा ओपी से लगता है। पता चला यार, विलेज पे जाओ और ऊपर से ये अंडे भी दे रहे हैं भूतनी के। एक मिनट, ओरो भाई लक देख रहे हो, एक अंडे के अंदर चिकन निकल गया। चल बे जा मौज कर। बट हाँ, ये ऊपर गया कैसे? तो इसके लिए गाइस देखो, बस नॉर्मल सा है। तो मेरा एक ऊपर डर्ट का प्लेटफॉर्म बनाना है, और एक पेड़ को नॉर्मल खुद से क्रिएट करना है, क्योंकि वहाँ पेड़ लगते नहीं है। तो एक पेड़ लगा देना, कुछ वाटर ब्लू वाले ब्लॉक लगा देना जो कि वाटर के शेप में दिखते हैं, और फैंस लगा देना, और ऊपर एक खूंटा डाल के ना भाई इन सारे जानवरों को पकड़ के बांध देना है, और जस्ट इसके ऊपर डिनर बोन का नेम टैग लगा देना जिससे उल्टे हो जाएंगे, और नीचे देखने के बाद ऐसा फील होने वाला जैसे कि पूरा का पूरा एक फार्म ही ना हवा में ऊपर उड़ रहा है। बहुत ज्यादा मस्त है ना, ट्राई करना। ओके, तो क्या तुम माइनक्राफ्ट के अंदर 3 ब्लॉक के अंदर एक फार्म बना सकते हो? मैं कोबल स्टोन की फार्म बता रहा हूँ गाइस। कोबल स्टोन का 3 ब्लॉक के अंदर काम करता है शायद से, आई थिंक, नहीं ना? हाँ यार, नहीं काम करेगा क्योंकि वो, चलो गाइस मैं तुम्हें बता रहा हूँ 3 ब्लॉक में एक कोबल स्टोन फार्म कैसे बनाते हैं, जो कि इससे तो कहीं ज्यादा मस्त दिखने वाला है। अब इसके लिए तुम्हें पढ़ने वाला है थोड़े बहुत ट्रैप डोर की, तो लगा लेना। वैसे मैंने बोला ना 3 ब्लॉक की जगह लेंगे, तो बस 3 ही लेने वाले हैं। तो 3 गाइस हमारे इस तरह से लग चुके हैं, एंड अब एक इधर लगाना है जो कि पैक करने वाले, और 3 इस साइड से भी। तो 1, 2, 3 ये भी लग गए, एंड तीसरा एक और है जो कि इस तरह लगाना है। अब ये पूरे एक बॉक्स की शेप में आ चुका है, बीच वाले को तोड़ देना है एंड सभी को खड़ा कर देना है। एंड अभी ना तुम्हें एक स्लैब की जरूरत पड़ने वाली है, ये वाले भी। अब इस स्लैब को जस्ट इस जगह पर लगा देना है, इसे उठा देना है, और अपने वाटर को लेकर ना इसमें डाल देना है। सॉरी यार, गलती से मैं कहीं और आया। इसके ऊपर गाइस स्लैब देख रहे हो, जस्ट यहाँ पे डालना है वाटर को, ये देखो। एंड उसके बाद तुम्हारा जो लावा पकेट है उसे इस साइड पे डाल देना। लोग बन गए यार, ये कोबलस्टोन फार्म देखो ना कितना मस्त तरीके से काम कर रहा है। तुम भी सोच रहे होगे ना भाई, वो वाटर उधर इधर आ कैसे रहा है, मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, बट वो आ रहा है। एंड साथ में आ रहा है भाई, बहुत सारा कोबलस्टोन फार्म जनरेट भी हो रहा है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है, और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटी एंड मस्त दिखता है। यार ये वाला बनाना जरूर से अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पे। और हाँ, चलो ये वीडियो आज कैसे यहीं पे खत्म होती है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तुमको एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और भी मजा एंड बेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।